कूलर के गोदाम में लगी भीषण आग, घनी आबादी में है कूलर का यह गोदाम। वहीं आपको बता दें कि आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी गई है। अधिक जानकारी के लिए जुड़ेंगे संवाददाता राकेश कनौजिया के साथ। राकेश, गर्मी इतनी भीषण है कि आए दिन कहीं ना कहीं आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। अब इस आग लगने का कारण क्या है? देखिए अदिति, मैं आपको बता दूं कि लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही है और मामूली सी लापरवाही कहीं ना कहीं बड़ी घटना को अंजाम दे रही है। लगातार लोगों को आगाह भी किया जा रहा है, लगातार लोग घटनाओं को देख भी रहे हैं। जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, आसमान से आग बढ़ रही है, उसी के चलते लगातार जरासीम शिंगारी बड़ी आग की घटना को अंजाम दे रही है। और थाना ताजगंज लखावली में भी ऐसी घटना हुई, यहाँ पर एक गोदाम में भीषण आग लग गई और उसके पीछे कहीं ना कहीं लापरवाही, क्योंकि जब भी व्यक्ति अपने काम को करता है तो लापरवाही तमाम सारी बरतता है और वो इस बात को लेकर लापरवाही बरतता है कि हर रोज वो इसी तरीके से काम को करता है और कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि घटना केवल एक दिन होती है, हर रोज घटना नहीं होती है। लेकिन सावधानी आपको रोज बरतनी होती है। ये ऐसा नहीं कि आप वक्त पर चल रहे थे, आपके संग हादसा एक दिन में हुआ, दो दिन में हुआ, तीन दिन में हुआ, तो कभी अहम नहीं होगा। और आप लापरवाही बरतना शुरू कर दें, यदि आप लापरवाही बरते हैं तो कभी भी आपके संग हादसा हो सकता है। और आग की घटनाओं में लोग देखने में आता है कि लोग जो बिजली के उपकरणों को पूरी तरीके से बंद करके नहीं जाते हैं और इन्वर्टर रहता है, तमाम सारी चीजें रहती हैं और इसी चलते ऐसी घटनाएं हो जाती है। राकेश, जो कूलर के गोदाम में आग लगी है, कितने तक का नुकसान बताया जा रहा है? देखिए, भारी नुकसान हुआ है, काफी सामान कूलर के इस गोदाम के अंदर था और कहीं ना कहीं नुकसान लाखों में है और बड़ी घटना हुई है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, ऐसे में एहतियात बरतने की बहुत आवश्यकता है। तमाम हिदायतों के बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। आप देख सकते हैं किरावली में खास के गैराज में आग लग गई थी, लाखों का नुकसान हुआ। रोज कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसमें लापरवाही के चलते आग लग रही है। राकेश, आग के दौरान क्या कोई गोदाम में मौजूद था, क्या कोई जनहानि भी हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह रही कि आग के दौरान जिस समय आग लगी उस दौरान गोदाम के अंदर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था और कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता था लेकिन बच गया। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश। आपको एक बार फिर बता दें, कूलर के गोदाम में लगी भीषण आग घनी आबादी में है कूलर का यह गोदाम। वहीं आनन फानन में फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आपको यह भी बता दें कि यह मामला ताजगंज के गहराई मोड़ की घटना है। वहीं कोई जनहानि की सूचना नहीं मिल रही है।